वाह भाई, क्या टोल प्लाजा बनाया है, लंबा हमारा। देखा भाई क्या डेंजरस होता है, कैसे हाई ट्रक वाले चलाते हैं। गुड मॉर्निंग फ्रॉम तोष। काफी ठंडा है यहाँ पर और पूरा गांव अभी सोया हुआ है। इस वक्त बज रहा है 8। अभी मैं नीचे गया था कि कोशिश करूँ कि शायद थोड़ा सा गर्म पानी, थोड़ी सी चाय मिल जाए, पर वो मुमकिन नहीं था क्योंकि अभी ऑलमोस्ट सभी लोग सो रहे हैं। हम भी कोई जल्दी में नहीं है, आराम आराम से चाय वाय पी करके और फिर यहाँ से बढ़ेंगे नीचे की तरफ। और ये जो पहाड़ है उस पर जो सनलाइट की वो एक रोशनी पड़ रही है ना किनारे किनारे पर, बहुत सुंदर लग रहा है। तो समय हो गया है 11:05, रेडी हैं हम और वेद, दोनों लोग रेडी हैं और बस वी आर अबाउट टू लीव तोष। वी आर हेडिंग डाउन टूवर्ड्स दिल्ली, प्रोबेबली विल बी स्टेइंग इन रूपनगर टुनाइट। तो उतर आए हम लोग तोष से, और तोष एक छोटा सा गांव है पार्वती वैली का, जो कि काफ़ी डेवलपमेंट हो रहा है जहाँ पर, बहुत सारे सैलानी, बहुत सारे टूरिस्ट यहाँ पर ट्रैक करने हैं। एक हिप्पी विलेज, एक हिप्पी लाइफस्टाइल जीने आते हैं। और इस वक्त जहाँ पर है ये, इसको बोलते हैं बरसैनी। बरसैनी ये जो है लास्ट बस स्टॉप है इस रूट पर, अगर आप कसौल या मणिकरण या इसकी तरफ आते हैं। और ये जो बर्फ़ पानी पड़ा है ये थोड़ा थोड़ा सा आइसी सा है, इसलिए हमें थोड़ा धीमे धीमे भी चलना है। डर है कि कहीं बर्फ़ हो, स्किड करे गाड़ी, दैट इज़ वन थिंग, इसलिए धीरे धीरे चला जा रहा है। धीरे धीरे उतरते उतरते आ गए नीचे। काफ़ी पतला रास्ता है पार्वती वैली का, तो जब भी हम आते हैं आप आते हैं ध्यान रखिए रास्ता बहुत सकरा है, आराम आराम से चलाना है। तो आज की हमारी टनल शुरू हो गई, और ये टनल उतनी लाइटेड नहीं है, उतनी ज़्यादा एडवांस काइंड ऑफ एन टनल नहीं है ये, जैसा अटल टनल थी। और ये भी ये पहली टनल थी जो कुल्लू को मंडी से जोड़ती है। ये टनल हम लोगों ने पहले अपने वीडियो में कवर करी है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ जा करके वो वीडियो देखें, क्योंकि ये टनल तो उसमें ही पूरी कवर हुई थी। ये है हिमाचल का सबसे सुंदर दृश्य जो मुझे लगता है, अचानक से बीच में पहाड़ों के पूरा मैदानी इलाका और सूरज ढलता हुआ पहाड़ों के पीछे, क्या खूबसूरत छटा लग रही है, वाह अमेजिंग, सो ब्यूटीफुल। चंडीगढ़ 153 किलोमीटर, दिल्ली 452, बिलासपुर 17 किलोमीटर। तो 17 किलोमीटर बचा है बिलासपुर और टाइम हो चुका है 6:47। हम लोगों को अब बिलासपुर ही रुकना है क्योंकि आज थकावट भी हो गई है, रात भी हो गया है, अंधेरा भी हो गई, कल फिर हमें लंबा दिन चलना है, तो बेटर है कि हम आज थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं टाइमली, और कल सुबह निकल के फिर दिल्ली पहुंचेंगे, ऐसा ही कुछ प्लान रहेगा अब आगे का। हम लोग पहुंच आए बिलासपुर, काफ़ी लंबा दिन था आज का जिसमें हम चलते चले आए, क्योंकि कल फिर से हमारा कुछ लंबा सफ़र होगा, अप्रॉक्सीमेटली 450 किलोमीटर का सफ़र है, पौने पाँच सौ किलोमीटर यानी। गुड मॉर्निंग फ्रॉम बिलासपुर। तो आज हमारा जो ट्रिप था, रोड ट्रिप था, आज उसका फाइनल डे है और हम निकल रहे हैं यहाँ से घर के लिए। ये हम आ गए हिमाचल के बॉर्डर पर, इंडस्ट्रीज दिख रही हैं, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज है बहुत सारी यहाँ पे, बद्दी एरिया लग जाता है थोड़ा सा नीचे उतरते ही। तो ये पंजाब और हिमाचल का बॉर्डर एरिया है, टोल टैक्स अभी चालू नहीं हुआ है, और ये ऑलमोस्ट हम पहाड़ों से बिल्कुल नीचे उतर आए, कीरतपुर साहिब आने वाला है, और बदली बदली सा मौसम, धूप नहीं निकली है, अच्छा है टाइमली हम लोग रिटर्न हो लिए, अदरवाइज़ बारिश हमें मिल सकती थी। तो ये हम आ चुके हैं दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे पर, और ये जो धनुष बना हुआ है अम्बाला शहर का पहचान है, यहाँ से अम्बाला शहर जो है आपका स्वागत करता है, और हम इसी से गुजरते हुए, बहुत बड़ा सा धनुष ही है रखा हुआ। तो ये था श्री श्याम ढाबा,
मुड़तल यहाँ पे खाया गया सरसों का साग और मक्के की रोटी, बढ़िया मज़ा आया। चलते हैं ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस वे पे और उधर से ही होते हुए पहुँच जाएंगे घर। जगह जगह पे हमें थोड़ी बहुत बारिश मिली, फिर रुक गई बारिश, ये अच्छा हुआ। बदली बनी हुई है, भगवान घर पहुँच जाए उसके बाद दिल खोल के बरसना, कोई दिक्कत नहीं। ये आ गए हम लोग ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर, सोलर पावर ऑन एंटायर एक्सप्रेसवे, टोल प्लाजा 1 किलोमीटर अहेड। वाह भाई वाह, क्या टोल प्लाजा बनाया है। तो गाजियाबाद 47 किलोमीटर, तो 47 ये है अप्रॉक्सीमेटली 5-6 किलोमीटर हम लोग चल के आए इस हाईवे पर, और उस हाईवे से उतरने के बाद 10-20 किलोमीटर लंबा हमारा, देखा भाई क्या डेंजरस होता है, कैसे हाई ट्रक वाले चलाते हैं। तो ये हम पहुंच आए डासना, डासना से हम कट जाएंगे अपने घर के लिए, और जो ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे का जो सफ़र था वो यहीं तक, यहाँ से ख़त्म। अंधेरा हो चुका है, 6 बजे हम लोग गाज़ियाबाद में आ चुके हैं। वाह वेद बाबू कहाँ रह गए, आओ आओ। तो ये हम लोग पहुँच आए वेद के घर। तो वीडियो को करते हैं एंड और देते हैं अपने आप को थोड़ा सा रेस्ट। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक बटन ज़रूर दबाएं, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले सफ़र पर, तब तक बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।